तो गैस क्या रोल नंबर 2020 में हमें सेथ रॉलिंस नंबर 30 पे एंटर करते हुए दिखेंगे मेन सुपर नॉर्मल मैच में, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। थंबनेल पे भी आपने देखा इसके पीछे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थ्योरी निकल कर आ रही है, तो मैंने सोचा आपके साथ ये वाली चीज़ शेयर करनी चाहिए और फॉर श्योर आपको मजा आएगा इस वीडियो को देखने में। तो कर दो इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें। वेट किस बात का है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गैस यहाँ पे बातें मैं करना चाहता हूँ आपसे सीरियसली और ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होगी। अब मैं आपको पहले ही बताता हूँ, WWE में दो तरह के हील होते हैं। एक तो वो हील होता है जो कि मतलब सब चीज़ अपने बलबूते पर कर लेता है, आसानी से किसी मैच को अपने दम पर जीतने का दम रखता है, जैसे कि ब्रॉक लेसनर हो गए। और एक हील वो होता है जो कि मतलब सबसे आसान तरीका खोजता है या फिर ढूंढता है किसी मैच को अपने तरफ मतलब अट्रैक्ट या फिर जो भी कहो आप अपने तरफ खींचने के लिए। तो गाइस उस टाइप के हील हैं सेथ रॉलिंस। अब यहाँ पे हमें दो तरह के हील देखने को मिलते हैं। तो पहले तरह के हील तो ब्रॉक लेसनर एंटर करने वाले रॉयल रंबल में, आप सबको पता है नंबर वन पे, और वो अपने बलबूते पे सारे मतलब रॉयल रंबल में जो एंट्रेंट्स होगी उन्हें वो एलिमिनेट करने का अभी दम रखते हैं। और एक है सेथ रॉलिंस जो कि मतलब सबसे आसान तरीका ढूंढेंगे अगर वो एंटर करते हैं रॉयल रंबल में तो कि वो आसानी से जीत जाए रॉयल रंबल मैच। तो गाइस यहाँ पे क्रिएटिव टीम क्या सोच रही है बैक स्टेज में, जो अपडेट्स निकल के आ रही है वो ये है कि सेथ रॉलिंस को नंबर 30 पे एंटर किया जा सकता है। क्योंकि गाइस अब यहाँ पे आपको बता दें कि जो अपडेट्स निकल के आ रही हैं वहाँ पे जो लास्ट फोर स्टैंडिंग होगी वहाँ पे हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिल सकते हैं। और फॉर श्योर हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है कि सेथ रॉलिंस का मैच नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में यानी कि अपकमिंग रॉ में देखने को मिले हमें, जो कि वो किसी भी फेटल फोर वे मैच या फेटल फाइव वे मैच में, और मे बी वहाँ पे हमें सेथ रॉलिंस जीते उस मैच को और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो रॉयल रंबल में नंबर 30 पे एंट्री करें। और ऑलरेडी आपको पता होगा कि मतलब नंबर 30 पे एंट्री करने के लिए कैसा कुछ मतलब मैच होता है और अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो मे बी सेथ रॉलिंस उस मैच को जीते हैं और शायद सेथ रॉलिंस नंबर 30 पे एंटर कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि सेथ रॉलिंस एंटर करेंगे और उसके बाद उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा किसी और सुपरस्टार के अगेंस्ट, मतलब किसी और सुपरस्टार के द्वारा कोई और सुपरस्टार उन्हें मतलब यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे और उसके बाद हमें एक काफ़ी तगड़ा पॉप देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है कि सेथ रॉलिंस की एंट्री होगी नंबर 30 पे क्योंकि वो उस टाइप के हील हैं जो कि मतलब आसानी से जीतना चाहता है। तो कुछ ऐसी अपडेट्स आई थी और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। सराउंडिंग WWE का सीजन 2 का सेकंड एपिसोड काफ़ी जल्द आने वाला है, तो उसके लिए आप मतलब रेडी रहना और काफ़ी इंजॉयमेंट होगी आपको उस वीडियो में, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो बस ये छोटी सी अपडेट थी और मुझे होप है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो में काफ़ी जगह मैं लड़खड़ाया हूँ क्योंकि आप बताता हूँ मेरा जो सेटअप है वो मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं और ठंड का मौसम है, आपको पता है क्या हाल हो रखा है। तो बस ये कहना चाहता हूँ ज़्यादा इस वीडियो को लाइक मार देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना वीडियो अच्छी लगी तो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट और फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।